हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, फिर से आज आप लोगों के बीच अच्छे और नए वीडियो साथ हम आ चुके हैं। जी दोस्तों, सिंगल फेज का डीबी इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाएंगे और 4 MCB और एक आइसोलेटर भी इंस्टॉल कर दिखाएंगे। हमारे साथ बने रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करने पर ये लगकर साथ भाई को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट नया वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता रहे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बॉक्स को रीओपन कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो इसको ये देखिए, ये चीज़ है, ये डीबी है, इसका कवर है। इसको हम वन बाय वन इसको फिटिंग करेंगे। तो ये हमारा कवर और डीबी हो गया। अभी हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट पे अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमको डीबी को इंस्टॉल करने का, ये पत्रा का रूम है यानी शीट का रूम है। इसमें ये लेबर कैंप है, यहाँ पर डीबी एक लगाने का है, बड़ा लेबर कैंप है। तो इसमें छोटा डीबी रखने का तो सोचे कि एक वीडियो डाल के बना कर डाल दिया जाए, क्योंकि मान लीजिए कि इसमें अर्थ भी है तो अर्थ भी कंपलसरी देना ज़रूरी है। तो अभी अर्थ तो हम निकाल चुके हैं, बस उसको कनेक्ट करने का है। तो हम डीबी का 4 स्क्रू होल कर दिए हैं और चारों स्क्रू को अच्छे से हम टाइट कर देंगे, मेरा डीबी वहाँ पर फिटिंग हो जाएगा। सीट है तो उसमें ड्रिल नहीं मार सकते हैं ना, इसलिए उसको होल करके स्क्रू से हम अच्छे से टाइट कर देंगे। देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इसको अच्छे से हम टाइट कर दिए हैं, बस टाइट करना है। ऊपर से 2 पाइप आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को नज़दीकी से दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। 2 पाइप दिख रहा है, उसमें से 2-2 इंच 4 सर्किट आया हुआ है। ये हमारा केबल है, तो इसमें ग्राइंडिंग पहले कर दे रहे हैं और वहाँ पर उसके बाद आप लोगों को दिखाएँगे हम। ये देखिए मेरा वायर है, ये जो ऊपर से 2 पाइप था उसमें से आ चुका है। ये मेरा अर्थ है ग्रीन वाला वायर। तो इसको हम पहले टर्मिनेशन कर रहे हैं यानी कि लिंकिंग कर ले रहे हैं अर्थ को, उसके बाद न्यूट्रल को करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। टाई कर दिए हैं, टाई को हम अच्छे से फिर कटिंग कर देंगे। उसके बाद वायर को थोड़ा थोड़ा कटिंग करके वहाँ पर रिमूव कर देंगे। देख सकते हैं कि वो हमारा अर्थ रेडी हो चुका है, बस वहाँ पर लिंक में कनेक्ट करने का है। 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को बताएंगे। अर्थ इसमें कंपलसरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्रा का रूम है, इसमें कहीं से भी पावर लीकेज हो सकता है, इसलिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। तो अर्थिंग कंपलसरी हो चुका है, इसका रेडी हो चुका है, बस अर्थ को लिंक करेंगे तो मेरा अर्थ पूरा रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ग्रीन वाइट टर्मिनेशन हो चुका है, यानी लिंक कर दिए हैं, लिंक वो अर्थ वाला टर्मिनल में 2-3 और बचा है, वो भी हम लिंक कर दे रहे हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को पूरा हम इसमें जानकारी दे भी सकते हैं। हमारे साथ बन रही है। इलेक्ट्रिकल नोट साथ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहें। देखिए मेरा ग्रीन वाला वायर तो हो गया है अर्थ का, अभी हमारा न्यूट्रल बाकी है। न्यूट्रल भी उसी प्रकार से हम 1 बाय 1 करके हम उधर डाल देंगे। 2 नीचे के न्यूट्रल है, 2 ऊपर के न्यूट्रल है, उसको हम ले करके अच्छे से वहाँ पे न्यूट्रल लिंक के पास कनेक्ट कर देंगे। चलिए देख सकते हैं कि अब न्यूट्रल हमारा वायर पहुँच चुका है और हम एक एक वायर को कटिंग करके स्लो निकाल के अच्छे से फिर वहाँ पे हम फिल कर देंगे। ये हमारा न्यूट्रल दिख रहा होगा लिंक, वही हमारा न्यूट्रल लिंक है। कुछ इस प्रकार से हम फोल्ड करके एक एक करके उसमें हम फिल कर देंगे। मेरा डीवी पर 1-2-3 वीडियो हो चुका है, लेकिन एक पत्रा का था, लेबर के में था, तो मैं सोचा कि इसको वीडियो बना कर डालना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ बहुत कंपलसरी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम वीडियो को रिलीज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देख सकते हैं कि मेरा न्यूट्रल लिंक भी रेडी हो चुका है। अभी मेरा बस फेस वायर बाकी रह जाएगा, तो वो भी हम आप लोगों को फिल करके दिखाएँगे। ये हमारा फेस वाला वायर हो गया। अभी इसमें जो मेन केबल है वो नहीं है, नीचे है, वो हम डालेंगे। तो पहले हम इस वायर को अच्छे से टर्मिनेशन कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से ड्रेसिंग कर दे रहे हैं साइड साइड से। देखिए हमारा वहाँ ले आकर ड्रेसिंग कर दिए हैं, बस MCB रख रहे हैं। पहले आइसोलेटर रखेंगे 2 पोल का,
उसके बाद सिंगल पुल का वन बाई वन करके सिक्स के प्राइम से भी है, ये हम यहाँ पे फिल कर देंगे एक एक करके, फिर हम कनेक्ट कर देंगे वायर को। देख सकते हैं हमारा ये एमसीबी अभी फिल हो चुका है, एक और एमसीबी बाकी है इस राइडर का, एक लेगर एंड का है। चलिए यहाँ पे फोर एमसीबी हो गया, एक आइसोलेटर हो गया, मेरा ये एलसीबी बाकी है। तो ये पूरा होने के बाद समझिए वीडियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम ये एलसीबी अभी बाद में डालेंगे, एल सी बी नहीं डाले हैं क्योंकि एक्सीलेटर पे इसको पावर देने का अभी फ़िलहाल में। तो वन बाई वन करके इसमें हम वायर को कनेक्ट कर देंगे, जो मेरा लाइट का वायर है। देख सकते हैं मेरा दो और वायर बाकी है, वो भी इसी प्रकार से हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए दो वायर को कटिंग करके फिर उसमें हम डाल देंगे। ये दोनों वायर मेरा दो बोर्ड है उसका है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है तो हम उसमें दे सकते हैं, मुश्किल नहीं है क्योंकि बस लाइट है दो तीन। अभी हमारा पूरा फिल हो चुका है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। अभी मेरा बस ये जो वायर को निकाल रहा हूँ, मेरा आउट कर रहा हूँ आइसोलेटर से और एमसीबी में इन करूँगा, वो वायर है वो, तो वायर मेरा एमसीबी का रेडी हो गया है। ये आउट कर रहा हूँ आइसोलेटर से और इन कर देंगे एमसीबी में। तो इस प्रकार हम टाइट कर दिए हैं, अब इसको साइड से ले आ करके फिर से अच्छे से वो नीचे से ले आकर हम फिल कर देंगे। देखिए साइड से आ गया और नीचे एमसीबी में हम इन कर देंगे। अभी मेरा न्यूट्रल बाकी है, न्यूट्रल भी हम कर ले रहे हैं कुछ इसी प्रकार से। ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, आइसोलेटर से आउट हो रहा है, इनका वायर अभी हम फिल करेंगे पहले होने के बाद। हमारे साथ आप लोग बने रहिए। तो मेरा न्यूट्रल वायर भी वहाँ पे रेडी हो चुका है, बस न्यूट्रल लिंक में लिंक करेंगे, रेडी करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा, अर्थ भी कंप्लीट हो जाएगा, फेस कंप्लीट हो चुका है और आउट इन भी कंप्लीट कर लिए फेस का। बस हमको केबल का इन कनेक्ट करने का है, जो मेरा इन हो रहा है मेन केबल से वो हम कनेक्ट कर देंगे बस। तो ये हमारा अभी रेडी हो चुका है कुछ इस प्रकार से, आप लोगों को दिखेगा। अभी इसमें हम केबल को कनेक्ट कर लिए हैं, बस नीचे से इन करना है। ये हमारा देखिए फेस लिंक है जो कि हमारे पास है, तो ये हम डाल दे रहे हैं। तीन ठो में टेप मार देंगे, मेरे चार ही एमसीबी हैं, उसमें सात एमसीबी डालने का जगह दिया हुआ है। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है, फटाफट इसको लगा कर अच्छे से हम टाइट कर दे रहे हैं। छोटा डीबी है, छोटा काम है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। डीबी रेसिंग जो करना चाहेंगे कोई भी आदमी कर सकता है, नया भी आदमी कर सकता है, मुश्किल नहीं है। वन बाई वन करके स्टेप बाई स्टेप दे करके कर सकता है, मुश्किल नहीं है। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार वायरिंग हो चुका है और केबल भी नीचे से हम इन कर दिए हैं। देखिए हमारा लाइट ऑन हो चुका है और पूरा देखिए न्यूट्रल फेस और अर्थ पूरा रेडी हो चुका है। अभी दिखाएंगे आप लोगों को अर्थ का, ये मेरा कॉपर है अर्थ का, ये भी हमारा रेडी हो चुका है, यानी अर्थ इसमें बहुत ज़रूरी था तो हम रेडी कर चुके हैं। अभी आप लोगों को इसका कवर लगा देंगे हम, तो हमारा काम रेडी हो जाएगा। तो इसका हम कवर लगा दिए हैं, बस इसका ढक्कन लगाने का है, अब ढक्कन भी लगा दे रहे हैं ऊपर से।
देख सकते हैं कि मेरा ढक्कन अभी लग चुका है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इलेक्ट्रिकल नौशाद सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए हमारा लाइट पूरा ऑन हो चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।